खेल रहा है। Very nice board. Can a player play competitive from one org and be content creator of another org? सौम्य अग्रवाल, yes bro, it is possible bro. Scout के केस में देख लो, OR से खेलेगा अपने competitive, content creator बनेगा अपने Fnatic से. Scout OP बोलते. Bro stream time. भाई तुम्हारे पास live example. और अभी तक उनको रिप्लाई और रिवाइव नहीं किया गया था, बट विक्रम बेताल एक बढ़िया कार्नाइटेड कैच शॉट देते हुए मोकू मोकू को डाउन किया गया है, जो कि कॉर्डल से खेलते हुए नजर आएंगे। विक्रम बेताल कार्नाइटेड के साथ है, वेडन के पास 4x स्मोकी को भी स्पॉट किया गया था, बट पान सिंह उससे पहले उनको स्पॉट करते हुए विक्रम बेताल को यहाँ पे डाउन किया गया। बट नीचे के साइड पे भी आपको थंडर शॉक की जो स्क्वाड है वो देखने को मिल जाएगी, बगल में पावर हाउस की स्क्वाड है, इस वक्त रिवाइव करेंगे और यहाँ से उतरना ही काफी ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जोन ऑलरेडी यहाँ से चल चुका है और 1 मिनट 40 सेकंड का ही समय केवल बचा। बट अलादीन को आप देखो कितना ज्यादा पीछे है, एंड आई गेस 2 या 3 मेंबर टीम आईएनडी के भी इस वक्त बचे होंगे। पीछे की साइड पे नॉकडाउन है, पता है उनको, बट वहां पे फाइनली डाक के द्वारा वो किल कंफर्म किया गया। विक्रम बेताल रुक नहीं रहे कार्नाइटेड के साथ, फिर से एक हेडशॉट करने के वहां पर ऋषभ को डाउन किया गया। रैप्सॉट वेशिक्रॉल सीजी को पूरी तरीके से कंफर्म करते हुए, बट अब सारी टीम्स को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। मॉर्टल वहां पे ऑनकोर को डाउन कर चुके, ऋषभ की बात करें वो भी डाउन है, रैप्सॉट इवो को भी डाउन कर चुके हैं और वो जो किल था वो निकाल दिया वेशिक्रॉल के। अभी अकेले बचे अपनी टीम से, इस पर हाइड्रा के टीम मेंबर्स जिंदा, पीछे साइड से आएंगे, शॉट दिया गया। इसी के साथ वेशिक्रॉलर्स की जो स्पॉट थी पूरी तरीके से एलिमिनेट हुई, रैप्सॉट फाइनल किल अपने नाम करते हुए, बट गाड़ी बहुत ज्यादा लगा रखी है, जोन के अंदर भी निकलना पड़ेगा। आइकॉनिक ने गाड़ी ब्लास्ट की, स्मोक की, उनको भी डाउन किया गया। 1 मिनट 14 सेकंड का समय और इन सभी टीम्स को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। विक्रम बेताल के पास इस वक्त आ चुका है कार98 विद 8x फ्लैश। यस, तो यहाँ पे दोनों प्लेयर जो बाकी है ओआर के, दोनों के पास एक एक स्नाइपर रहेंगी, तो देखते हैं कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। आगे 2 किल उनके पास है, 7 टीम एंड 24 प्लेयर्स टोटल बाकी रहेंगे। एंड 26 मिनट हो चुके हैं मैच में जाके, एंड 5th सर्कल अभी भी क्लोज होने में 1 मिनट बाकी रहेंगे। हस्तर ने यहाँ पे पावर हाउस का आइकॉनिक को नॉक कर दिया गया। लेट्स सी कैसे की फाइट रहती है, चारों के चारों प्लेयर गॉडल के यहाँ पे बाकी रहते हैं। हस्तर को काफी लो किया गया फिलहाल के लिए, वो फर्स्ट एड लगाते हुए हमें दिख जाएंगे। काफी ओपन ग्राउंड में सर्कल बनता हुआ दिखा है, तो व्हीकल्स का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एज अ कवर यहाँ पे आइकॉनिक को रिवाइव नहीं मिल पाएगा और इसी के साथ यूएमी के पान सिंह को नॉक कर दिया जाएगा। टीएस के प्लेयर भी यहां पे आइकॉनिक का किल कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं, तो पावर हाउस की तरफ से अब सिर्फ 2 प्लेयर बाकी रहेंगे। पान सिंह वहां पे भी नॉक है, डार्क विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम पावर हाउस। दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम पावर हाउस। टीएस की स्क्वाड भी उनको प्रेशराइज करते दिख रहे, कॉल के प्लेयर्स भी उनको प्रेशराइज करते दिख रहे हैं। सर्कल भी मूव होने वाला है इन 15 सेकंड्स, तो जल्द से जल्द यहाँ पे डार्क को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिलीव वहां पे ऑन द अदर एंड ग्रेनेड से मेगा के पैराडॉक्स को नॉक करते हुए दिख जाएंगे हमें। बट हाइड्रा स्क्वाड इस वक्त आप देखो कितना ज्यादा सेफ खेल रहे हैं, कहां पे थे और वो कहां पे हैं, जहां थे वहीं हैं, निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट यहां पे एक बढ़िया नेट जाता हुआ, स्वैग को डाउन किया गया है और अब थोड़ी सी मॉली वगैरह का भी यूज किया जाएगा। और जहां पे मेगास्टार्स की स्क्वाड है वो काफी ज्यादा अच्छी पोजिशन है, बिल्कुल टीएस के जो मेंबर है उसे ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, काफी अच्छी स्क्वाड आपको देखने को मिल जाएगी। 2 मेंबर्स मेगास्टार्स के जिंदा है, बट पूरी तरीके से नेट का यूज किया जाएगा। विक्रम बेताल एक बार फिर से नेट से आते हुए डाउन किया गया, टीएस को रखने की कोशिश करेगी। दलजीत का फाइनल शॉट, फ्रैग ओपी को डाउन किया गया, पैराडॉक्स को यहाँ पे गाड़ी ब्लास्ट की गई स्मोकी के द्वारा, डार्क पूरी तरीके से खत्म और इस वक्त एमआईएम के मेंबर नीचे के साइड पे भी जोन के बाहर है, बट यहाँ पे क्लॉक को स्पॉट किया गया विक्रम बेताल के द्वारा, एक बढ़िया हेडशॉट डाउन किए गए, क्लॉक इमॉर्टल भी डाउन हो गए और यहाँ पे दलजीत का फाइनल शॉट आता हुआ स्मोकी की बात करें वो भी दूसरे साइड पे प्लेस उनके बाहर है, डैमेज काफी ज्यादा लेते हुए स्मोकी खत्म और एमओएम का एक आखिरी मेंबर ऊपर के साइड पे बचा हुआ है। इमॉर्टल के लिए यहाँ पे कंफर्म होगा, क्लुक जो डाउन थे वो प्लेस उनके बाहर खत्म हो गए और सिंह अकेले बचे अपनी टीम पे, उनकी पोजिशन अभी तक किसी को पता नहीं, बट वो जोन के बाहर है। केवल 1 मिनट 17 सेकंड का और समय बचा हुआ, दलजीत दूसरे साइड से रोटेट करेंगे, इनके पास ग्रोजा है, दलजीत को स्पॉट किया गया, ग्रोजा का बेहतरीन स्प्रे, दलजीत डाउन, विक्रम बेताल अकेले बचे हुए बट उनकी पोजीशन भी यहां पे स्पॉट की जा चुकी है और इस वक्त कार्नाइटेड का यूज करते हुए नजर आएंगे। विक्रम बेताल हेडशॉट कनेक्ट होगा, कनेक्ट हुआ, थोड़ा सा चूके बट वो जो खेल था अपने नाम जरूर करके गए। सिंह अब पीक इस वक्त बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे, अगर उन्होंने पीक किया तो सीधा हेडशॉट पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट इस वक्त स्मोक करेंगे स्काउट और अभी उनको ये पता है कि जो मेंबर है वो जोन के बाहर है। फ्लैश Yes, तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग 1v1 फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 8 किल जो है टीम ऑरेंज रॉक के पास, जो है स्काउट के पास हमें देखने को मिल जाएगा। विक्रम बेताल जैसा कि आप देख सकते हैं कार्नेटेड का यूज बहुत करते दिख रहे हैं। सिंह वहां पे थोड़ा बहुत उन्होंने मूवमेंट दिए, मेरे हिसाब से उनको M4 निकाल लेनी चाहिए मिड गेम फाइट के लिए। सिंह जो है यहाँ पे क्लोज इन करते दिख रहे हैं, M4 उन्होंने निकाल ली। लेट्स सी कौन सी टीम जो है यहाँ पे चिकन डिनर की तरफ बढ़ती है। सिंह काफी ओपन में जाते हुए दिख रहे हैं, स्कारल वर्सेस M4, लेट्स सी कौन सा प्लेयर चिकन डिनर निकालता है। विक्रम बेताल वहां से मार रहे हैं, शॉट आएगा और इसी के साथ फाइनली स्काउट क्लच करते हुए दिख रहे हैं। एक कमबैक सिचुएशन से जो है यहाँ पे ओआर की स्क्वाड बाहर आई है, 2 मैन स्क्वाड।